हाँ जी, मेरिडियन हमने कल समझ लिए थे, अब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इसे समझते हैं। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर अर्थ को रिप्रेजेंट करते हुए ये अर्थ हो गई, और ये मैंने बनाई है इसकी जियोग्राफिक एक्सिस, सेंटर ऑफ अर्थ से पास होते हुए ये नॉर्थ पोल है, कैसा जियोग्राफिक, ये साउथ पोल है, कौन सा जियोग्राफिक, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक लाइन अगर हम इमेजिन करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें, ऐसी लाइन जो अर्थ को बिल्कुल एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। और ये हो गई हमारी क्या, जियोग्राफिक इक्वेटर, करेक्ट, जो अर्थ को एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है जियोग्राफिक, वहां अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, लेकिन एग्जैक्टली उस जगह नहीं है, उससे थोड़ा सा हटके 21 किलोमीटर अवे है यहां से। तो हम अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कि अगर अर्थ को, पूरी अर्थ को एक मैग्नेट मान लिया जाए, तो वो मैग्नेट कैसे रखा हुआ है। वो मैग्नेट एक दूसरी एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और अगर पूरे अर्थ को एक मैग्नेट की तरह लिया जाए, तो ये आपका पूरा मैग्नेट हो गया, ये कौन क्या है, साउथ है मैग्नेटिक, और ये नॉर्थ है मैग्नेटिक, ठीक है, समझ आई। दो एक्सिस हमने बना ली, एक एक्सिस ये कौन सी है, जियोग्राफिक एक्सिस, और ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर हुई बात। अब अर्थ के मैग्नेट का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड कि नॉर्थ पोल से, मैग्नेटिक के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और कहां जाती हैं, साउथ पोल में जाती है। सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं मैं। अच्छा, एक चीज और, इससे पहले ये हमने क्या बनाई है, मैग्नेटिक एक्सिस बनाई है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन अगर हम कंसीडर करेंगे, जो अर्थ को बिल्कुल एग्जैक्ट दो पार्ट में काट दे, लेकिन किसके पर, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो भी हमें क्या बन जाएगी, एक एक और इक्वेटर बन जाएगी, इस इक्वेटर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक दूसरे के पास पास है, एक एक ही पॉइंट पर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी उल्टा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा, क्या है, थीटा, इस एंगल का एक स्पेशल नाम है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या है, थीटा है यहां, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्लियर है इतनी बात। कौन सा एंगल है ये, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, इनके बीच का एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्लियर हो इतनी बात। जितना एंगल, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ज्योग्राफिक और मेरिडियन एक्सिस के बीच में, उतना ही एंगल बनेगा आपका किसके बीच में बनेगा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्विटोरियल प्लेन और ज्योग्राफिक इक्विटोरियल प्लेन, इन दोनों के बीच में भी क्या बनेगा, वही एंगल बनेगा जो एंगल मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में बना हुआ। तो यहां मैं शो नहीं कर रहा हूं, डायग्राम कंजेस्टेड हो जाएगा,
क्लियर। अब देखते हैं यहां से मैग्नेटिक नॉर्थ है ये, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, करेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं और जबकि इसका आंसर यही बना रहा हूं पहले ही। ये मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके, और फिर यहां से वापस क्या हो गई, नीचे झुकना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसे कहां जाना है, साउथ पोल में जाना है, यहां ये साउथ पोल में चली गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, समझ रहे हो? आंसर यही लिखा हुआ है, आंसर यही लिखा हुआ है जहां मैं पूछ रहा हूं। अगर आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक नॉर्थ पर खड़े हैं जाके, अगर आप एग्जैक्टली खड़े हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पर, जहां अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक आपके पैरों के नीचे नॉर्थ पोल है, आप खड़े हुए हैं, ठीक यहां मैग्नेटिक नॉर्थ है आपके पैरों के नीचे, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे सके तो कैसी दिखाई देंगी यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही होती तो यहां इस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखाई देती? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पैरेलल लगेंगी, हमारी बॉडी के पैरेलल, हमारी बॉडी के पैरेलल। यस सर। अपनी बॉडी के हिसाब से ना बताओ, अर्थ सरफेस के हिसाब से बताओ। परपेंडिकुलर लगेंगे अर्थ सरफेस, अर्थ के परपेंडिकुलर, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे? बाहर को निकलती हुई अर्थ परपेंडिकुलरली अंदर जाती हुई? बाहर को निकलती, बाहर को निकलती हुई परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बैठिए, हम यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पे खड़े, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे तो ऐसा लगेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी ये अर्थ से निकलकर सीधी आसमान में जा रही है, करेक्ट। इसके अगेंस्ट अगर आप खड़े हैं कहां, आप यहां खड़े हैं मैग्नेटिक साउथ पर, तो फिर वहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा लगेगा अगर हमें दिख पाए कि जैसे सीधी आसमान में से आकर के सीधे नीचे जा रही है, समझ आ गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट मैग्नेटिक पोल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट मैग्नेटिक पोल्स इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। क्लियर है इतनी बात? अब हम बीच में कहीं है, या बीच में भी एक स्पेशल केस ले लूं मैं, एग्जैक्टली आप यहां है, एग्जैक्टली ऑन इक्वेटर ऑफ द मैग्नेटिक इक्वेटर, एग्जैक्टली आप मैग्नेटिक इक्वेटर पर है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कैसी दिखाई देंगी? यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखाई देंगी? रेज योर हैंड्स। तो पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल होंगी? हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे हमारे पैरेलल होगी, वो हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी के पैरेलल, अर्थ सरफेस के, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पैरेलल होंगी। ठीक है, बैठिए बैठिए। अगर हम मैग्नेटिक पोल्स पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, और अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना जो मुझे क्वेश्चन अब पूछना है आपसे, बहुत ध्यान से समझना। ये एक मैंने मैग्नेटिक निडल ली, धागे से बांध दी, दिस मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे भी रोटेट कर सकती, इट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में भी ऐसे रोटेट कर सकती क्योंकि बीच में से बंधी हुई है, एक इसका नॉर्थ पोल है एक इसका साउथ पोल है। ठीक है, आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक नॉर्थ पर है, एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ आपके पैरों के नीचे है, और वहां जाकर आपने इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, कौन बताएगा कि वहां ये कैसी रुकेगी? यहां तो हम कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, वहां कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी वहां? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पर है तो कौन सा सिरा इसका नीचे होगा? इसका साउथ पोल नीचे होगा, और ये बिल्कुल भले ही आपने बीच में से इसे बांध रखा है लेकिन ये कैसे हो जाएगी? पैरेलल टू द उस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पर पैरेलल, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है तो भी अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ आ रही बात? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुकना, मैग्नेटिक मैग्नेटिक निडल को नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये तो वहां रुकेगी जहां इसको मैग्नेटिक फील्ड ले जाएगा, जैसा मैग्नेटिक फील्ड वैसी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये भी अपने आप को क्या कर देगी? अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर।
और जब आप इक्वेटर पर हैं तब क्या होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस आ जाएगी, करेक्ट। अब ये पोजीशन मैं यहां बना रहा हूं, डायग्राम में देखना जरा ध्यान से, ये दो पोजीशन आपको बना रहा हूं, आप बिल्कुल यहां एग्जैक्टली मैग्नेटिक नॉर्थ पर है, एग्जैक्टली मैग्नेटिक नॉर्थ पर है, तो आपकी मैग्नेटिक निडल कैसी हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक निडल ऐसे रहेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ है तो मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल, मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल रहेगा टुवर्ड द अर्थ, क्योंकि आप मैग्नेटिक नॉर्थ पर खड़े हैं। जब आप मैग्नेटिक साउथ पर चले जाएंगे तो क्या होगा, तो भी ये आपकी निडल बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस हो जाएगी, लेकिन इस बार नॉर्थ पोल इसका डाउनवर्ड होगा, ये नॉर्थ ये साउथ, और इधर यहां साउथ और ये नॉर्थ। जब आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पर हैं, यहां है, तो अब ये आपकी जो मैग्नेटिक निडल है इट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ सरफेस ठीक इसके पैरेलल रहेगी, चाहे आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, हवाई जहाज में हो, हेलीकॉप्टर में हो, कहीं भी अर्थ सरफेस के पैरेलल रहेगा। कैसे पैरेलल रहेगा, कि जो मैग्नेटिक निडल है इसका नॉर्थ पोल आपका रहेगा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, जहां एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है, और इसका साउथ पोल कहां रहेगा, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, जहां एक्चुअली अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। आप में से कोई अगर किताबों की हेल्प ले रहा हो तो किताबों में लिखा हुआ है कि यहां साउथ पोल नॉर्थ पोल है मैग्नेट का भी, और यहां लिखा हुआ है साउथ पोल है मैग्नेट का, जहां ज्योग्राफिक साउथ वहीं मैग्नेट का भी साउथ, जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ वहां मैग्नेट का भी नॉर्थ, जो कि गलत लिखा हुआ है। क्लियर है भाई, ये तीन हमारी पोजीशंस आ गई। अब आप ना इक्वेटर पर हैं और ना पोल पर हैं, बीच में कहीं हैं, बीच में कहीं हैं आप, ये आपकी मैग्नेटिक निडल, आप ना इक्वेटर पर हैं ना आप पोल पर हैं, तो अब इस मैग्नेटिक निडल की पोजीशन क्या हो सकती है प्रोबेबली, देखो जो आंसर दे देगा उसको बिल्कुल समझ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल जाना इसे, तो एक्चुअली आपको ये देखना है कि जैसे हम यहां खड़े हुए परीक्षितगढ़ में, हम ना एग्जैक्ट मैग्नेटिक इक्वेटर पर हैं और ना हम एग्जैक्ट मैग्नेटिक पोल पर हैं, तो यहां अगर इस मैग्नेटिक निडल को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, फ्रीली सस्पेंड का मतलब इट इज कैपेबल, इट इज अलाउड टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज इट इज अलाउड टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, तो यहां इसकी पोजिशन क्या रहेगी, यहां कैसी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल तो रहेगी रहेगी, लेकिन वो पैरेलल क्या होगा, इंक्लाइंड हो जाएगी, किससे इंक्लाइंड हो जाएगी, इंक्लाइंड का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे हो जाएगी इंक्लाइंड, क्या ज्योग्राफिक एक्सिस तो हमारे पैर के नीचे है, वो सरफेस पर नहीं है, वो तो नीचे है अंदर है, चलिए यहां समझते हैं, देखिए इस डायग्राम से और हेल्प लीजिए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल पर हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधे सीधे आसमान से उतर करके सीधे वर्टिकली अंदर जा रही है अर्थ सरफेस की, यहां अर्थ सरफेस से नीचे निकलकर सीधे आसमान में सीधे जा रही है वर्टिकली, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है पैरेलल टू द इक्वेटर, लेकिन अगर आप यहां पोजीशन बनाओ, अगर यहां आप मैग्नेटिक निडल की पोजीशन बनाओगे तो वो मैग्नेटिक निडल की पोजीशन कैसी आएगी, ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक का, ये साउथ पोल, ध्यान से देखिए आप, अब ये अर्थ सरफेस के पैरेलल नहीं है, देखो अर्थ सरफेस तो ये है ऐसे बनती, इस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे, देखिए ध्यान से, अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे अर्थ सरफेस पर तो ये टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं है, कैसी है, ये आपकी अर्थ सरफेस पर टेंजेंट है अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करते हुए, तो ये निडल ऐसे है, कैसे रुकेगी यहां पर आकर के, ये इंक्लाइन रुकेगी, ये थोड़ा सा इसका सिरा नीचे चला जाएगा, एक सिरा, ऐसा नहीं कि इधर भारी हो गई और इधर हल्की रह गई है, आपसे बांधने में गलती हुई है, बढ़िया बिल्कुल परफेक्टली आपने सेंटर पर बांधा हुआ, दोनों तरफ इक्वल मास है, फिर भी एक तरफ नीचे झुक जाएगी, रीजन क्योंकि इसे अपने आप को करना पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है। ध्यान से देखिए आप, यहां अर्थ के दो हेमिस्फीयर बन गए, ऊपर वाला हेमिस्फीयर जिसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर है आपकी, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड वाला आधा हिस्सा अर्थ का कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
और इक्वेटर से आधा हिस्सा साउथ की तरफ वाला कहला है साउदर्न है, साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ रहे इतनी बात? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हम यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, हमारा देश इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इक्वेटर से काफी ऊपर है, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए कि हम यहां खड़े हुए हैं तो इस मैग्नेटिक निडल की पोजीशन इंक्लाइंड होगी अर्थ सरफेस से, लेकिन कैसा? नॉर्थ पोल नीचे की तरफ झुका हुआ, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ झुका हुआ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां मैग्नेट के अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। समझ रहे? इस टाइम सामने इधर ईस्ट है, मेरे सामने इधर नॉर्थ है, मैं जैसे खड़ा हुआ हूं लगभग मेरे सामने नॉर्थ है, पीछे मेरे साउथ। अब इस निडिल को फ्रीली आपने सस्पेंड कर दिया, ये निडिल फ्रीली सस्पेंड कर दी, तो इसका नॉर्थ पोल थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, साउथ पोल थोड़ा ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर से भारी हो गई, लेकिन नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम यहां देख पाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ऊपर आसमान से लाइन आकर के नीचे इंक्लाइंड जा रही है अर्थ सरफेस में। मैग्नेटिक फील्ड ना तो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस है, ना है पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। क्लियर है बात? अब तक हमने ये पढ़ा था कि फ्रीली सस्पेंडेड निडिल रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, गलत पढ़ा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग नहीं रुकेगी ये तो थोड़ा सा नीचे भी झुक जाएगी, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग रुकेगी, लेकिन साथ में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे भी झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को कर लेना है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और यहां जहां हम खड़े हुए यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तो अर्थ सरफेस के पैरेलल है और ना अर्थ सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड वैसी है इकट्ठी हुई। समझिए बात? एक क्वेश्चन और, हमने दो मेरिडियन पढ़े थे, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। जब ये मैग्नेटिक निडल रुकी हुई है तो ये किस मेरिडियन में होगी, किस मेरिडियन में होगी, या मेरिडियन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ज्योग्राफिक मेरिडियन में है ना ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, कोई रिलेशन नहीं है इसका, सोच के बताइए। एक बार मेरिडियन बताऊं फिर से, मेरिडियन मेरे सामने या साउथ, नॉर्थ है ठीक है, पीछे साउथ है, करेक्ट। तो इधर मैग्नेट का साउथ हो जाएगा और पीछे मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक। तो ठीक, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को मिलाकर एक लाइन बना लो यहां पर, सपोज ये लाइन आपकी, मैं इस पेपर पे बनाता हूं, तो ये लाइन यहां आपकी बन गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक तरफ सामने साउथ है एक तरफ नॉर्थ, ये लाइन आपने बना ली इनको मिलाते हुए। अब क्या करें कि इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक दीवार खड़ी कर दीजिए, कैसी दीवार, जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो। ये जो दीवार बनी है बस ये मैग्नेटिक मेरिडियन, तो बताइए ऐसी ज्योग्राफिक मेरिडियन बना दो। तो ये अगर रुकेगी यहां नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो किस मेरिडियन में आकर के रुकेगी, या इसका मेरिडियन से कोई ताल्लुक नहीं इसके रुकने का, किस मेरिडियन में रुकेगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन में, हाँ इंक्लाइंड भी हो गई है। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, तो पहले तो ये बताओ कौन से वाले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसे ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसे तो बेचारे को पता भी नहीं कि नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक है कहां, इसे तो अपने अपने मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दिखाई दे रहे, बाकी कुछ देख ही नहीं सकता। मैग्नेटिक निडल को तो केवल अपने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है, इसे और कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर ये कहां रुकी, मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रुकेगी, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ के अलोंग आ गई है, और यही आपने वो दीवार खड़ी की हुई इस लाइन के ऊपर, तो कहां रुकी आकर, मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकी। क्लियर है? और थोड़ा सा इंक्लाइंड रुकी, जितना ये नीचे झुक गई हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे झुककर रुकी, इसका एक एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर है बात? तो यहां हमारे हमारे
परिक्षित गल में ऐसे रुक रही है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन में और थोड़ी सी नीचे झुक गई। कौन सा सिरा इसका नीचे झुका हुआ होगा? मैग्नेट की निडिल का नॉर्थ पोल, जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ को रहता है, जहां एक्चुअली मैग्नेट का अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। ये एंगल बना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर हुई बात? तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल पर है तब आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा? जब आप एग्जैक्टली पोल पर है तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा? कितना होगा? जब आप एग्जैक्टली पोल पर है तब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा? 90 होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जब आप ज्योग्राफिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक साउथ पे चले जाएंगे तो मिडिल अपने आप को बिल्कुल वर्टिकली इन खड़ी कर लेगी अपने आप पैरेलल। तो कितना झुक गई है हॉरिजॉन्टल से? कितना नीचे झुक गई? 90 डिग्री झुक गई। जब आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पर है तब ये एंगल कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि वो अब मैग्नेटिक निडिल आपकी अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। क्लियर है बात इतनी? और जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप ना तो जीरो है और ना 90 है, इसके बीच में कहीं एक है। जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी है इक्वेटर और पोल को छोड़कर, इस तरह से कि नॉर्थ पोल नीचे झुका रहे, और जब आप सर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो वहां भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो से ज्यादा और 90 से कम, लेकिन वहां साउथ पोल नीचे झुका रहेगा। क्लियर है? अब देखना ध्यान से कैसे मैग्नेटिक फील्ड है और कैसे मैग्नेटिक निडिल का बिहेवियर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यह मेरी मैग्नेटिक निडिल है, मैग्नेटिक निडिल है ये। इसमें जो लाल एंड है इसे समझ लीजिए नॉर्थ पोल, और जो व्हाइट एंड है इसे समझ लीजिए साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हमारा अर्थ स्फीयर, अर्थ का स्फीयर है। जब आप एग्जैक्टली यहां है, कहां? मैग्नेटिक नॉर्थ पर, तो ये मैग्नेटिक निडिल बिल्कुल वर्टिकल टू अर्थ सरफेस हो जानी है 90 डिग्री परपेंडिकुलरली, इस तरह कि साउथ पोल नीचे रहेगा इसका और नॉर्थ पोल ऊपर रहेगा, बिल्कुल वर्टिकल इरेक्ट हो जाना इसको, साउथ पोल नीचे की तरफ। साउथ पोल किसका? मैग्नेटिक निडिल का साउथ पोल। ये मैग्नेटिक निडिल है, जहां अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां मैग्नेटिक निडिल का साउथ पोल रहेगा, करेक्ट? अब यहां से जब आप चलेंगे, आप इमेजिन कर लीजिए कि एक मैग्नेटिक निडिल है, आप अर्थ पर है, अर्थ के पोल पर है, बिल्कुल आपने फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, और अब आप अर्थ के साउथ पोल से चल करके नॉर्थ पोल तक चलेगा, और इसे हाथ में ऐसे लिया हुआ है, इसको हाथ में ऐसी फ्रीली सस्पेंड करा, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, नॉर्थ पोल से पूरी आधी आधा चक्कर काटते हुए आप कहां पहुंच गए? साउथ पोल पर पहुंच गए मैग्नेटिक। तो इस मैग्नेटिक निडिल में क्या चेंज आएगा? यहां बिल्कुल अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर है इस तरह से कि इसका नॉर्थ पोल डाउनवर्ड्स है। नॉर्थ पोल इसका कहां है? डाउनवर्ड्स, वर्टिकली इरेक्ट हो गई है डाउनवर्ड। अब आप यहां से चलना शुरू कीजिए, देखिएगा अब यहां से आप चलेंगे तो मैग्नेटिक निडिल की पोजीशन ये होती चली जाएगी, देखिएगा ध्यान से, अर्थ सरफेस के इंक्लाइंड है, और जैसे ही आप पहुंचे कहां? बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट टू मैग्नेटिक इक्वेटर, ये बिल्कुल अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? फिर से इंक्लाइंड होनी शुरू हो जाएगी, यहां इंक्लाइंड होते होते, और जहां मैग्नेटिक साउथ पर आप पहुंचे तब ये फिर से बिल्कुल क्या होगी? परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस हो जाएगी, लेकिन इस बार नॉर्थ सिरा इसका कहां होगा? नॉर्थ सिरा नीचे की तरफ होगा। अगर आप वापस जाएं, यहां नॉर्थ पोल वर्टिकल और ये इंक्लाइन होनी शुरू हो गई, और मैग्नेटिक एक्स मैग्नेटिक इक्वेटर पर पहुंचकर बिल्कुल पैरेलल टू अर्थ सरफेस, और यहां से आगे चलेंगे तो ये फिर से अर्थ सरफेस के इंक्लाइन होती चली जाएगी, और मैग्नेटिक नॉर्थ पर पहुंचकर फिर से वर्टिकली हो जाएगी, इस तरह से कि इसका मैग्नेटिक निडिल का साउथ पोल कहां रहेगा? अर्थ सरफेस की तरफ रहेगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का क्लियर हुआ? अब हम यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, हमारे यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना तो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस है, ना परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू अर्थ सरफेस है, बल्कि इंक्लाइंड है, और उस इंक्लाइंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये रुक गई कहां? थोड़ी सी झुककर ये रुकी हुई।
मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. तो यहां हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अगर देख पाते हम मैग्नेटिक फील्ड को तो हमें ऐसा लगता कि ऊपर से आ रही है और सीधी नीचे तिरछी जा रही है, इंक्लाइन. जैसे बहुत तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें आती है, जब बहुत तेज हवा के साथ बारिश हो तो तिरछी पड़ती है, ठीक ऐसे ही यहां इंक्लाइन आ रही है. क्लियर है बात ये? और निडल ये रुकेगी कहां पर, किस किस मेरिडियन में आकर रुकेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में आकर रुक जाएगी. ठीक है. अब यहां तीन हमारे नए टर्म्स हो गए. पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या आंसर एंगल है ये, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस. दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, जितना नीचे झुक गई निडल. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी हाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पर है जीरो और पोल्स पर कितना है 90 डिग्री. क्लियर है. अब एक चीज यहां से हम और निकाल कर लाएंगे. देखिए अब इसका डायग्राम बना रहे हैं. पहले तो एक काम करो, ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए सबके साथ.